मैंने ज़्यादा कुछ डेकोरेट नहीं किया है, सिंपल ही ये डोर है, उसके ऊपर यहाँ पे शुभ लाभ लगाया हुआ है। और ये हम लोगों ने लाए थे हरिद्वार से, तो मैंने यहाँ पे लगा दी। जस्ट सिंपल तरीके से मैंने अपने एंट्रेंस रखा है। तो यहाँ से एंटर होकर ही हम आप लोगों को दिखाए पड़ेंगे ये मंदिर। यहाँ पे मंदिर है हम लोगों का, और फिर ये जो एक बड़ा सा रूम है, ये एक्चुअली लिविंग प्लस डाइनिंग रूम है, बट हम लोगों ने इसको खाली ही रखा था। तो ये है हम लोगों का होल रूम, काफ़ी बड़ा है रूम, तो ज़्यादा सामान भी यहाँ पे मैंने नहीं रखा है, सिर्फ एक क्रॉकरी यूनिट है, यहाँ पे, और फिर हैंड वॉश बेसिन है। फिर हम लोगों का ये बड़ा सा डाइनिंग टेबल है, और फिर यहाँ पे मैंने दो प्लास्टिक का चेयर रखा है, जिसके नीचे मैंने कारपेट बिछाया है और ऊपर कुशन कवर्स रखा है, और उसके साइड में ही मेरी छोटी सी बेटी का वॉकर है, और इसके साइड में है एक एक्वेरियम, और उसके ऊपर हम लोगों का फोटो फ्रेम है, और ये बेम्बो का कुछ वॉल हैंगिंग डेकोर आइटम है जो हम लोगों ने इस बड़े से वॉल पे लगाया है। और इस साइड पे मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगवाए थे, तो यहाँ पे ये वाला डेकोरेशन मैंने की है। तो ये सब जब हम लोग घूमने के लिए गए थे तब वहाँ से ख़रीद करके लाए हैं, और ये मुझे मेरी मम्मी ने दिए थे। तो मैं आपको पूरा रूम दिखाती हूँ। साइड पे है हम लोगों का मास्टर बाथरूम, जो हम लोग यही बाथरूम यूज़ करते हैं नहाने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए हम लोग यही बाथरूम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक बड़ा सा विंडो है जो अभी पर्दे से ढका हुआ है, और इस साइड पे है एक बालकनी जहाँ पे हम लोगों ने रखा है अपना वॉशिंग मशीन। ये बालकनी में एक्चुअली वॉशिंग मशीन का प्रोविज़न हम लोगों ने रखा है, तो यहाँ पर वॉशिंग मशीन ही रहते हैं। तो ये है पूरा रूम का लुक, और ऊपर एक्चुअली हम लोगों ने लाइट लगाया हुआ है, काफ़ी दिन हो गया है, 2 महीने आई थिंक हो गया है। हम लोगों ने सोचा है तो इस रूम को हम लोग लिविंग रूम बना देंगे, क्योंकि अभी कुही भी थोड़ा थोड़ा करके बड़े हो गए हैं, तो कुही को उस रूम का ज़रूरत होगा, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी है ये फैंसी लाइटें। डाइनिंग टेबल के ऊपर वो है, ये बीच में है, और ये यहाँ पर है। और इस रूम के ही इस ओर है हम लोगों का किचन। तो किचन में हम लोगों ने ये अभी अभी हम लोगों ने लगाया है, पहले रेड कलर का था, जो अभी हम लोगों ने इसके ऊपर वॉलपेपर लगा दी है, तो इसका लुक जो है काफ़ी अच्छा आ रहे हैं, एकदम मार्बल जैसा एक लुक आ रहे हैं। तो काफ़ी फ़ायदा हुआ ये लगाने से, किचन भी काफ़ी सुंदर लगने लगा है। ओके, तो नेक्स्ट इस रूम से जाकर इस साइड पे हम लोगों का करंट जो लिविंग रूम है इस साइड पे है, और यहाँ से ही एंटर होके ही मिलेगी छोटी सी एक चेयर जो कुही का है, ये वुड का है, और ये चेयर हम लोगों ने इंटरनेशनल एक्सपो आया था यहाँ पे, तो वहाँ से हम लोगों ने खरीदे हैं, ये राजस्थान का आइटम है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो फ्रेम लगाया है, ये है मेरे फैमिली, ये मेरी बहन है, ये दोनों, ये नानी है, ये मम्मी, ये पापा, कुही, गौतम और मैं। 3 एलिफेंट मैंने रखा है, ये 2 दिन पहले ही आया है, जस्ट मैंने जो शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया है उसके बाद ही ये आए हैं। एक्चुअली ये जो हाथी है ये मैंने लिविंग रूम के लिए खरीदे थे, तो यहाँ पर मैंने अभी तक रखा है। और ये राजस्थान से मम्मी ने मेरे लिए लाए थे 2 हंसों का जोड़ा, और थोड़ी दिन पहले मेरी जो सिस्टर राजस्थान पे रहते हैं वो ये 2 हॉर्स ख़रीद करके लाए हैं, घोड़ा,
जो घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाते हैं। और वैसे भी मैं वास्तु को बहुत ही फॉलो करती हूँ, तो इसलिए वो खरीद कर लाए हैं ये। और ये मेरी शादी का फोटो है, और ये है राइनो। सभी लोग जानते ही है असम एक सिंग वाला राइनो के लिए ज़्यादा फेमस है। तो एक्चुअली ये मैंने ख़रीदा नहीं है, ये मेरी मम्मी ने दिया था, और ये हम लोगों की शादी में गिफ्ट में मिला था हराय। और ये तो है हम लोगों का शोकेस जहाँ पे ढेर सारा चीज़ें सजाया हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने एक रियल प्लांट रखा है। और यहाँ पे देखिए ये एक बड़े से विंडो है, और अभी यहाँ पे नेट लगाया हुआ है, कर्टन्स मैंने धो दिया है, अभी तक लगाया नहीं। एक फ्लावर पॉट है, और ये है हम लोगों का सोफ़ा, और ये है सेंटर टेबल। सेंटर टेबल के ऊपर मैंने थोड़ा सा इस तरीके से डेकोरेट किया है, और ग्लास के नीचे मैंने ये सब डेकोर करके रखा है। तो आपको मैं फूल दिखाती हूँ। तो यहाँ से एंट्री लेकर हम लोगों का सोफ़ा मिलते हैं, और फिर ज़्यादा सामान मैंने नहीं रखा है लिविंग रूम में, क्योंकि लिविंग रूम बहुत ही छोटू है। ये एक्चुअली लिविंग रूम नहीं है, ये एक्चुअली बेडरूम है, बट मैंने इसको लिविंग रूम तरीके से ही रखा है। लेकिन अभी मुझे लिविंग रूम को इस रूम से इस रूम में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूम अभी कुही का होने वाले है। और नेक्स्ट आते हैं एक और बेडरूम जो गेस्ट रूम है, जो गेस्ट रूम को भी मैंने एकदम मिनिमल तरीके से सजाया है। तो यहाँ पे है हम लोगों का स्टडी टेबल, जो कभी कभार यूज हो जाते हैं आजकल, पहले तो बहुत यूज होते थे। और नेक्स्ट ये बेड, फिर यहाँ पे कुही का वार्डरोब है, और कुही का घर पे पहना हुआ जो कपड़े रहते हैं इसमें रहते हैं, ऊपर में लोशन रहते हैं। और यहाँ पे हम लोगों का जो कंप्यूटर टेबल है यहाँ पे है। तो एकदम मिनिमल तरीके से ही मैंने अपने घर को सजाया है, ज़्यादा सामान खरीद कर घर को मतलब मैसी जैसा होने नहीं दिया है। और इसमें है एक बालकनी जो अभी मैं बंद करके रखी हूँ, क्योंकि मच्छर आने वाले हैं अभी। तो पूजा रूम मंदिर के इस पार है हम लोगों का मास्टर बेडरूम, और इस पार गेस्ट रूम, और यहाँ पे ये लिविंग रूम, और यहाँ पे है जो बड़े जो रूम है हम लोगों का वो। और नेक्स्ट है हम लोगों का ये मास्टर बेडरूम, जो मिनिमल तरीके से मैंने इसको डेकोरेट करके रखा है। काफ़ी छोटू सा है तो मैं इसको मिनिमल तरीके से सजाया है। और ये देखिए बेड हम लोगों का काफ़ी बड़ा है, इसलिए रूम और भी छोटा पड़ गया, तो इसलिए। और इसमें एंटर होने के बाद ही आप लोगों को मिल जाएंगे ये एक फ्लावर स्टैंड। फिर यहाँ पे है हम लोगों का, हम दोनों का वार्डरोब, और इस साइड पे हम लोगों का बेड है। और फिर यहाँ पे मेरा ड्रेसिंग टेबल है, और ये यहाँ पे मैंने दो चेयर रखा है, बैग कभी अगर हम लोगों के रूम में कोई आ जाए तो हम लोग इस चेयर पे बैठने के लिए देते हैं, या फिर बेडरूम में काफ़ी सारा चीज़ें ऐसा होता है, कभी हम लोगों को एक चेयर चाहिए होता है जहाँ पे हम लोग चीज़ों को रख सकें। और यहाँ पे टीवी स्टैंड है हम लोगों का, जो मैंने मिनिमल तरीके से ही इसको डेकोरेट करके रखा है। तो गाइस आप लोग मुझे बताइए कि होम टूर कैसा लगा है। एक्चुअली मैं तो रोज़ ही बनाती हूँ व्लॉग, तो व्लॉग में मेरा घर जो है वो दिख ही जाते हैं। लेकिन कुछ भी दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि एक रूम टूर दीजिए,
एक होम टूर का वीडियो बनाकर अपलोड कीजिए। इस तरीके से मुझे थोड़ा सा कमेंट आ रहे थे और कुछ लोगों ने मुझे ईमेल भी करके बोला, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक आज मैं एक होम टूर बनाऊंगी। एक्चुअली आज बनाने का रीज़न है, आज गौतम भी नहीं है और कुही भी नहीं है। अगर घर पे लोग रहते हैं, स्पेशली कुही को, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाते हैं वीडियो बनाना। तो इसलिए मैंने सोचा है कि आज मैं बनाऊंगी, आज दोनों ही नहीं है तो, और घर भी मैंने थोड़ी देर पहले ही जस्ट ठीक करके उठी हूँ क्योंकि कुही आजकल थोड़ा थोड़ा करके बड़े हो रहे हैं, तो कुही घर को काफ़ी मतलब मैसी कर देते हैं, उसका खिलौना इधर से उधर, कपड़े खींच कर नीचे गिराते हैं, कुशन खींच कर नीचे गिराते हैं, तो घर थोड़ा बहुत ही मैसी होकर रहते हैं। अभी कुही नहीं है तो मैंने फटाफट से घर का सफाई कर ली है और रूम को फटाफट से मैंने ठीक ठाक कर लिया, बेड कुशन एवरीथिंग मैंने ठीक कर ली और उसके बाद मैंने फटाफट से ये एक होम टूर बनाया है। एक्चुअली मैं ये दिन के टाइम में बनाना चाहती थी बट नहीं हुआ, अभी शाम के टाइम है तो अभी मुझे बनाना पड़ा। एक्चुअली दिन में मैं इसलिए बनाना चाहती थी क्योंकि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाते हैं कैमरे में, कैमरा थोड़ा सा एक्चुअली नेचुरल लाइट में जितना सुंदर लगते हैं वो मतलब ये सब लाइट में नहीं लगते हैं, तो इसलिए, और मैंने फ़ैन ऑफ करके वीडियो बनाए थे तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गया है मेरा हालत। जस्ट अभी मैंने एसी ऑन कर दिया है क्योंकि अभी तो मेरा हाल बुरा हो गया, तो इसलिए। तो चलिए गाइस, वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि कई सारा ब्लॉग, कई सारा टूर और लोग अगर जाएंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, शॉपिंग भी शेयर करेंगे, एवरीथिंग आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो कैसा लगा है अगेन मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।